अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी सारी दुआएं आपके लिए हैं, आप ही के लिए मेरी सारी दुआएं। और सुनाए जी, क्या क्या हो रहा है सबके घरों में? खैर खैरियत है? प्यारी सुबह का आगाज हो चुका है, तो वेलकम टू माई न्यू चैनल यूट्यूब एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो चलते हैं किचन में। रोज़ की रूटीन के मुताबिक देखते हैं आज हम किचन में नाश्ता क्या करने लगे हैं। कुछ भी नहीं करना आज, नाश्ता आज छुट्टी है नाश्ते थी। तो अभी भी लाइट आई है, तो जिस वजह से आधों ने तो कर लिया, आधे कर रहे हैं, ये सिस्टम है। तो चलिए देखते हैं, फिर भी बताती हूँ आपको क्या किया हमने नाश्ता और क्या नहीं किया, तो आपके साथ शेयर करना तो बनता है ना। सारी बातें, आप हमारी फैमिली हैं, तो फैमिली की तरह भी हैं और फैमिली भी हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ हर चीज़ शेयर करनी पड़ती है। और आपको कहना, हाँ जी, नाश्ता तो कर लिया। हाँ वही ना, तो फिर उनको बताना तो है ना क्या नाश्ता किया। आपने भी कर लिया सारा फिनिश? जनाब ये देखें, नाश्ता तकरीबन खत्म हो गया। सबसे पहले तो रोटी बना के दिए, ये देखें चूल्हे का क्या हाल हुआ है। अभी इसको तारों के साथ मांजेंगे, धोएंगे। तो रात को हमने बनाए थे आलू, ये देखिए जी, रात को आलू बनाए थे। अब सालन रहा है कि ख़त्म हो गया तकरीबन थोड़ा सा, तो नाश्ता तो सारे कर चुके हैं, चाय शाय पी ली है सब ने जी। नहीं नहीं, चल जल्दी कर, उधर 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 नहीं जाना तुमने, तरस नहीं नहीं जाना, बस ये बताओ। भाई भी आ रहा, जल्दी तू पहुंच। ना पहले भाई को भेजे। चलो ठीक है ना, ठीक है ठीक है, ना जा, कसम से मैं आज बड़ी सख्त मार पानी है, ना जा। चले आप ये पकड़, मदरी से चले पकड़ना, जल्दी पहुंचे ना। अरसला टाइम लेट हो रहा ना, नहीं व्लॉग में कोई नहीं मस्तियां हो रही, तुम मस्तियां करती ही नहीं हो, उनको नहीं चाहिए तुम्हारी मस्तियां। अच्छा जामी ऊपर कर, देख नंगी हो रही हो ना ऐसे, चल ऊपर शर्ट पहन, ओ दे से शर्ट, पहले उसको शर्ट दे लो, पहना इसको फटाफट कर। सारे पीछे नंगी हुई है, तो आप ये पहनती ना। चल जल्दी कर, जल्दी कर, अभी नमाज का भी टाइम है, देखो फटाफट पहुंच। तो ठीक है मीमा, अब हम थोड़ी साफ सफाई करते हैं, तो मिलते हैं आपको साफ सफाई। अभी देखें नमाज का टाइम भी हो गया, लेट हो गया, साफ सफाई करते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स, ठीक है जी। जनाब नाश्ता तो फारो के साफ सफाई कर रहे थे, साफ सफाई से हो गए हम फारग। ये देखे घर तो बिल्कुल नीटनेस एंड क्लीन हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल साफ। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा साथ वालों के घर, फोतगी होगी उधर कल की, तो उधर थोड़ा अफसोस करके बैठते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है। तो आप सुनाए क्या क्या कर रहे हैं घरों में, सब खैर खैरियत से हैं? क्या क्या मज़े, खूब मज़े होने वाले हैं, तो मज़े करते हैं। ये देखे बच्चे घर, तो खोलो दरवाज़ा। तो मेरे बूट दिखाया ना जो आई इंग्लैंड से, ये देखे अरसला क्या कर रही है। अरसला क्या है इसके बूटों को, पिंडी के बूट तो लंडे के भी साथ, ये भी बताना। ये देखें अरीबा के शूज, लंडे से आए हैं लेकिन ये एक पायदार हैं बहुत ज़्यादा, समी रात को लेके आए थे, तो गुगी के नहीं है। दलावा दलावा पूछना पूछना, तू आ तू आ, ता है ता है। हमारे घर में कितने चोर बैठे हैं, सच सच बताओ। हाँ तू सा तू सी आप ही हो सारे चोर। ये देखिए समी के कपड़े प्रेस, मेरी बेटी ने समी के कपड़े पापा के प्रेस करके साथ में कोट वगैरह भी रखे हैं। तीन चार सूट इसने प्रेस किए हैं, आहिस्ता आहिस्ता कहती है थोड़े थोड़े करके, तो प्रेस करके रखेंगे। तो चलते हैं जरा फोतगी की तरफ, फोतगी से होके आती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ कि आगे क्या काम करना है। पहले तो हम फोतगी पुख्ता आके आए, तो फिर बताते हैं। तो कमन लस्गो
टू फोतगी होम। जी तो जनाब ये मैं उधर से फोतगी वाले घर से तो मैं आ चुकी हूँ अभी अभी, तो अब जा रही हूँ सौदा लेने के लिए। शाम हो चुकी है, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ पकाने के लिए ले आऊँ। तो अभी फ़ोन आया समी का, तो वो तो कहते हैं कि बस कोई हल्का फुल्का सही बना लो, तो देखते हैं कि अब क्या बनाते हैं, तो किसके घर में क्या क्या बना है ज़रा मुझे भी बताएं। मुझे तो पकाने की कुछ समझ नहीं आ रही, बंदा क्या पकाए क्या ना पकाए, सारा रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ है, कितना बंदे ये चीज़ें भी खाए। तो किस किस के घर में क्या क्या पका है ज़रा मुझे बताएं। ये देखो बेटी मेरी पार्लर से आ चुकी है, इनसे पूछते हैं क्या मुझे क्या पता किधर गए हैं पैसे, खुद संभाल के रखा करो मुझे, अरसला ले लिए होंगे सचिव को। कल मैंने दो लेके दिए थे। अच्छा रेड कलर का पैकेट शापर था। अच्छा उसे ले देती हैं, तो वो तो उधर थे ना इसलिए। तो मैं भी खिला, तो मैं भी खिलाया नहीं था शवारमा और वो पीछे तो उसको भी उसी दिन के लेके दिया, आज तो नहीं लेके, आज को मैं गई हूँ उसके पार्लर लेने भी, तुम गई थी छोड़ने, पापा गए हैं टांगे मेरी छोड़। हाँ। ये देख ना मुझे दे। ओ मेरी टांग तो छोड़ना ना, पहले दे, नहीं है मेरे पास कुछ नहीं। तो चलते हैं सौदा लेने के लिए, देखते हैं आज क्या कहते हैं, छोड़ ना पाओ तो। हाँ जी जनाब ये देखे सौदा तो मैं ले आई हूँ घर, तो आज हम क्या बनाने लगे जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे दाल लेके आई हूँ, मूंग मसूर की, और ये साथ में आटा है, तो ये शैम्पू वगैरह है, तो बाकी ये सारा चीज़ें पड़ी हुई है। सौदा ने दाल बनाने लगे आज मूँगी मसूरों की जी। क्या मैंने कहा पीछे करे कैमरा मेरी तरफ, अभी आप सौदा लेने जा रही हैं ना? ले आई हूँ मैं, हाँ ना सौदा ले आई हूँ, वो पड़ा तो ये तो खाली आटा है, तो दाल है ना, दाल बनाएंगी मम्मा, दाल बनेंगे, दाल बनेंगे ना। ये चीजें अंदर लेके जा मेरे साथ, ये देख ना पहले मुझे प्याज दे, ये पकड़े ना पीछे चल मेरे को, दस भी नहीं है मेरे पास, बीस भी नहीं है, दस होंगे, दस दे दे, जितने भी पैसे हैं वो सारे। अच्छा ये घी पकड़, अच्छा जितने भी पैसे हैं वो सारे मुझे, एक ही है बस, ये घी पकड़, ये चीजें पकड़, नहीं आना साथ आना, ये भी रख के आओ उधर, आटा भी रख के आओ उधर, किचन में हम नहीं पकाते खाना, वो सर्दियां ना चूल्हा अंदर ही रखा हुआ है ना हॉल में, तो बस हॉल में ही पकाते हैं, हॉल में कुकर देखे किधर घुसा हुआ है। हाँ जी तो व्यूअर जी देखो कुकर तो निकाल लिए, तो ये उधर रखो, ये देखिए ये लेके जा रहे, ये चीजें सारी मैंने के लेके आई, एक ही दफा चीजें ले, एक ही लेके वो मैंने क्या सारी चीजें इकट्ठी एक ही बार ले लो, तो ये पच्ची, ये इधर इस बाउल में ना सारे मसाले भी रख के ले जाती हूँ, ये है हल्दी, ये है लाल मिर्च, ये है गरम मसाला, और ये है काली मिर्च, ये है नमक, और ये है चिकन पाउडर। अच्छा ना उनको पता नहीं है, नहीं चलो बता दो, बताते भी तो है ना, बंद करे मेरे पैसे गुम हो गए हैं, तो अच्छा ना गुम ही रहे, मम्मा पास है, ये पास है, ये पकड़ो दाल अंदर ले, ये लेके चले ना दाला, दाला को दिखाना है।
ना खा दफा हो पर तो बस अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह जदों ये भी नसीब ना हो पता लग जाएगा तो बा इतनी वड्डी तकब्बर वाली गल नहीं करनी तकब्बर की बात नहीं करती ये तकब्बर में आ जाते हैं गधी। तो चले बस आज पकाते हैं हम मूंग मसूर की दाल जबरदस्त किस्म की करके। तो मैं आपके साथ पूरी पूरी अपडेट शेयर करती हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए किचन में आप पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो लेट्स गो टू कुकिंग। ये देखिए जनाब लाइट तो चली गई है फिर, तो अभी मैंने ये मसाला रख दिया है दाल के लिए। ये देखिए उधर दाल धो के अब इसमें डालती हूँ। ये लहदा एक आंडी छोटी सी, थोड़ा सा पड़ा ही हुई थी घर में शिमला और आलू, तो इनका दिल था कि शिमला और आलू बना लें अपने लिए। आधी शिमला और एक आलू है। तो ये देखें समी साहब आ चुके हैं घर। समी साहब अभी आए हैं घर पपीता बेच के, तो वो पड़े समीर साहब का टाइटैनिक। तो हाँ जी कुछ विकिया शिकिया भी है कोई ना जी? तो लगना ही लगना, तो 2 साल लगने ही नहीं। टाइटल लिखना है तो वेज शो भी होना है। आज मेरे सास को कुटा। टमाटर अद्धा बेचे तो पे नहीं सी पाया नहीं जे आओ। तो ये देखें बस अभी दाल इसमें डालने लगी हूँ, दाल डालती हूँ तो उसके बाद इसको लगाएंगे वेट वेट के साथ, फिर साथ में गूंदेंगे आटा। तो उतनी देर में शायद लाइट आ जाए तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी लाइट नहीं है तो मैं ये पैसे भी वापस ले लूँगा। हाँ जी जनाब ये देखे हमारी दाल हो गई है रेडी। तो अभी ये देखे मैं आटा गूंद के रोटियाँ पका रही हूँ, ये सारे बच्चे खाना खा रहे हैं ते सब बच्चे खाना खा रहे हैं। ये देखे ऐसी शक्ल वेखो ते इदी वेखो मरासी दी। मुझसे रोटी पूछी नहीं है। ओए पूछने की क्या बात है, बैठ के खा ले। पूछा तू अप टू डेट है ना? हाँ सफी तू फिर खाई पहला जा मिंदो उधर सालन ताई अमल लिया दे जहाँ पुत्र नहीं आया। सफी तो मशीन है। है दाल ही उस पकाई है पत्नी ओ जी पर उस पकाई मस वे मां दी है ना मैं तां पिया नहीं जा सफी चुप कर चलो पतली कितों आई? पतली नजर आ रही है। नहीं मैंने बनाई है, खुद हमें कह रही थी, मैंने कहा पहले पतली थी। ये तो वे ये देखे रोटी अब बनाने लगी। हाँ जी पानी दे दियो जी इन्होंने। चलो मैं बस आई खाना खा लें जिस जिसने खाना है। इधर तो हलक पे है सारे आने नहीं इधर वे कोई हलक पे है चले ते पाके खाए शोधी। चला सफी तू भी ले ले रोटी। हाँ जी तो जनाब खाना शाना हम खा चुके हैं, अभी मैं कर रही हूँ यहाँ से सफाई। बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए हैं, ये देखिए सारी सफाई कर रही हूँ। ये बेटी एक बेटी इधर मेरे पास सोएगी, तो वो देखे अरसला भी सो गई है, अरसला भी सो गई है। तो इधर से कर लिया मैंने सारी सफाई, समय भी अपने कमरे में चले गए हैं और बच्चे इधर टीवी देख रहे हैं। तो मैं अभी करने लगी हूँ किचन की सफाई, रात के बर्तन धो के सोते हैं ना, तो सफाई वगैरह करके सोती हूँ। तो बस
किचन जरा बाहर है ना हमारा, तो ये देखिए ये साथ ही किचन है। अब देखिए इतना गंद नहीं है, ये देखिए इतना नहीं है गंद, बस ये थोड़े से बर्तन है, मैंने कहा धो लो फटाफट बर्तन धो के तो फिर लेटेंगे, पता सारी रात पड़े रहते हैं बर्तन, तो ये चीज़ नहीं अच्छी होती, फिर सुबह उठ के ना ज़्यादा गंद होता है, तो मैंने कहा ये फटाफट मैं धो लूँ। और जी आप लोगों के घर में क्या क्या हो रहा है ज़रा मुझे बताएं। और ये आप लोग भी, अभी तो सारी बात है सबके सोने का ही टाइम है, सब सो रहे होंगे, 11:30 का टाइम है अभी, तो बर्तन धो के तो मैं भी इंशाल्लाह लेटती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, इतवार का टाइम है, इतवार का दिन था आज, तो कल सोमवार है, बच्चों ने स्कूल जाना और सुबह जाना भी टाइम पे है, एक हफ्ता छुट्टियों का नहीं था ना, तो 9:30 स्कूल लगता था, तो अब सुबह से फिर रूटीन वाइज 8:30 लगेगा, तो बच्चे जा कर लेट गए हैं सारे, इसलिए क्योंकि सुबह स्कूल जाना है, तो मैं ये बर्तन शर्तन धो के तो मिलती हूँ आपसे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं ज़रा बर्तन फटाफट धो लूँ, तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये तो जनाब ये देखे किचन शिचन सारा साफ हो गया, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ठंडे बर्फ़ पानी से गैस चली गई थी, तो मैंने ठंडे पानी से धोए हैं बर्तन, तो ये देखे कितना माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया किचन, सारी जगह अपनी अपनी जगह पे चीज़ें पड़ी हैं, मुझे किचन खास करके नीट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वैसे भी सफाई पसंद हूँ, ज़्यादातर मुझे गंदी चीज़ों से बड़ी उलझन होती है, घर को साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, आपको पता है घर से ही औरत की पहचान होती है, तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने, गली वाला दरवाज़ा भी बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि मैंने गंद शंद गिरा दी है सारा, इस टाइम गंद गिराते हैं ना सुबह जब अंधेरा आता है उठा के ले जाते हैं, तो बस कुंडी शुंडी लगा के लाइटें शाइटें ऑफ कर दी हैं सारी, ये देखें सारा दरवाज़ा वो बाहर के दरवाज़ा टोटल बंद हो चुके हैं, लाइटें शाइटें ऑफ हैं, अब सुबह ये कपड़े फिलाए हुए हैं ना उस दिन के, तो सूख गए हैं, तो सुबह इंशाल्लाह रखेंगे तह लगा के, तो अब सर्दी लग रही है बहुत, ठंडे पानी से बर्तन धोए हैं, तो इस व्लॉग का करते हैं हम यहीं पे इख्तिताम, तो इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के लिए आपके खिदमत में अपने हाज़र होंगे, आपको नए तरीके से ये नई बातों से इंटरेस्ट करेंगे और आपको इंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो अपनी प्यारी सबको को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखा करें, बड़ों की इज्जत किया करें और छोटों से प्यार से बात आया करें अपने बच्चों की, क्योंकि इस तरह बच्चों की तरबियत में बहुत अच्छा असर पड़ता है, और अपने घर का कोशिश किया करें बहुत ख्याल रखें, घर के लिए जो बंदा मुखलस है ना वो हर बंदे के लिए मुखलस है, जो बंदा घर के लिए नहीं, जो औरत ख़ास करके घर के लिए मुखलस नहीं होती वो उसका घर घर नहीं रहता, वो बेघर होने वाला हिसाब होता है, मकान सा होता है, अपने घर के लिए हम भी अपने घर के लिए बहुत मुखलस हैं, क्योंकि अपने हस्बैंड के हर दुख दर्द में हर जो औरत शरीक होती है अल्लाह पाक भी राज़ी होता है, दूसरे नंबर पे इंसान राज़ी हो ना हो लेकिन अल्लाह के साथ राज़ी हो रहा, हमारा कुरान भी यही कहता है, अच्छी बात को फैलाया करें, बड़ा कोशिश किया करें, अपने हस्बैंड की भी इज्जत किया करें, दुआ में याद रखा करें, छोटों से प्यार किया करें, अच्छी तरबियत बच्चों की किया करें, झूठ से ज़रा दूर ही रखा करें बच्चों को, तो खिदमत बड़ों की खिदमत भी कर दिया करें जो आपके पास है, क्योंकि ये वक्त हाथ में नहीं आता, जो गुजर जाए वो नहीं आता वापस, तो जो चला जाए वो भी नहीं आता वापस, तो कोशिश किया करें कि हर बंदे को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखो, ये आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, तो इसी प्यारी बात पे अपने सोनिया को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को पूरा वॉच करना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, तो वे बस टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट।